सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ जो कि ग्रीनफील्ड कॉलोनी के सी ब्लॉक में होने वाली है। इससे पहले मैं जो आपको वीडियोस दिखाता था वो दिखाता था मैं आपको बी ब्लॉक की या ए ब्लॉक की, सी ब्लॉक की यूजुअली मैंने कम वीडियोस बनाई हुई हैं, बट ये सी ब्लॉक जो है अकॉर्डिंग टू बी ब्लॉक या ए ब्लॉक के थोड़ा डेवलप कम है, यहाँ पे बसावट कम है, यहाँ पे लोग कम रहते हैं। जैसा कि आप आसपास देख भी सकते हो, आसपास थोड़ी बसावट कम है, बट हाँ डेवलप्ड पूरा एरिया है। सीधा कनेक्ट होगी आगे सूरज कुंड रोड, अभी बस मेन रास्ता खुलना बाकी है, तो आपकी कनेक्टिविटी इसके जस्ट आगे मेन सूरज कुंड रोड आ जाती है जहाँ से आप शूटिंग रेंज दिल्ली निकल सकते हो। आज मैं आपको जो प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, ये 400 गज में प्रॉपर्टी बनी हुई है। आप ऊपर से नीचे तक इसका फ्रंट एलिवेशन देख सकते हो, काफी प्यारा और एकदम सुंदर फ्रंट एलिवेशन बनाया हुआ है। इसमें ओनली सेकेंड फ्लोर अवेलेबल है जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो आइए अब मैं अंदर चलते हैं, और अंदर चलने से पहले मैं आपको इसके तीन गेट्स दिखा देता हूँ, 1, 2 और 3, तीन गेट मिलते हैं आपको। और फ्रंट देख सकते हो कितना चौड़ा बनाया हुआ है। तो आइए चलिए चलते हैं अंदर। अंदर चलते ही सबसे पहले आपकी स्टिल पार्किंग आ जाती है, ये देखिए आप काफ़ी स्पेशियस आपको स्टिल पार्किंग मिल जाती है। इधर आपके मीटर्स लगे हुए हैं, 2 फैमिली इसमें ऑलरेडी शिफ्टेड हैं, 2 मीटर लग चुके हैं, और ये पूरी स्टिल पार्किंग रहेगी जो कि पर फ्लोर के अकॉर्डिंग अगर आपके पास दो दो तीन तीन गाड़ियाँ भी हैं तो भी आप इजीली यहाँ पे खड़ी कर सकते हो। ये हमारे सर्वेंट रूम बनाए हुए हैं, पर फ्लोर के अकॉर्डिंग सेपरेट आपको सर्वेंट रूम मिल जाते हैं, एक एरा। और इधर इन्होंने पीछे टैंक्स बनाए हुए हैं जो कि आपको पानी का टैंक पीछे मिल जाता है। ये आप देख रहे हो 5 टैंक यहाँ पे बनाए हुए हैं, 5 में से 1 आपका कॉमन यूज में आता है जो टैंक आता है, और जो 4 है वो पर फ्लोर के अकॉर्डिंग सेपरेट 3,000 लीटर के टैंक्स हैं। सामने आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है जो कि सर्वेंट का रहेगा। तो आइए अब मैं आपको इसका सेकंड फ्लोर दिखाऊंगा जो कि 400 गज में बना हुआ है, और ये कुछ इसकी एंट्रेंस रहेगी, ये आप देख सकते हो। और ये हमारी लिफ्ट रहेगी जो कि लिफ्ट ऑपरेशनल है, ये हमारी स्टेयर्स आ जाती हैं जो आपको ऊपर लेके आएगी। तो आइए चलिए चलते हैं ऊपर। ये मैंने बटन प्रेस कर दिया है, बटन प्रेस करते ही लाइट ओपन हो गई है और ये मैं अंदर आ गया हूँ। अब मैं आपको इसका सेकेंड फ्लोर दिखाऊंगा, ये मैंने इसका सेकंड फ्लोर प्रेस कर दिया है और अब हम ऊपर जा रहे हैं, और आप लिफ्ट देख सकते हो काफी अच्छी बनाई हुई है और ऑलरेडी फैमिली शिफ्टेड है फर्स्ट फ्लोर पे, इसके सेकंड फ्लोर ओनली अवेलेबल है। ये मैं आपको सेकंड फ्लोर आज आपको दिखाऊंगा। सो गाइस, अब मैं सेकंड फ्लोर पे आ चुका हूँ, ये हमारा सेकंड फ्लोर रहेगा। ये आप देख सकते हो काफी अच्छा और एकदम चौड़ा गेट बनाया हुआ है, और 7-8 फीट की इसकी हाइट दी हुई है जो कि काफी एक स्टैंडर्ड हाइट है। तो गाइस अब मैं ये अंदर आ गया हूँ, ये गेट जो मैं खोल रहा हूँ ये मेन एंट्रेंस है, ये हमारी मेन एंट्रेंस थी। ये आप देख सकते हो लिविंग और ड्राइंग एरिया एकदम सेपरेट दिया हुआ है, ये हमारा ड्राइंग एरिया आ जाता है, हमारा डाइनिंग एरिया आ जाता है, ये हमारा सेपरेट आपको ड्राइंग एरिया मिल जाता है। आप ड्राइंग एरिया की लेंथ चेक कीजिए, काफी स्पेशियस और एकदम खुला आपको ड्राइंग एरिया मिल जाता है। आप इस एरिया की फॉल सीलिंग चेक कीजिए, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज ऐसे ही मिलेगी जैसी आप देख रहे हो, काफी अच्छी और एकदम मस्त बनाई हुई है, फॉल सीलिंग अलग की हुई है। इधर हमारा ये डाइनिंग स्पेस आ जाता है, और इधर आपको मतलब एंटर करते यहाँ पे भी अगर आप सोफा या चेयर कुछ रखना चाहो तो इधर भी आप रख सकते हो, और ये हमारा डाइनिंग स्पेस आ जाता है एकदम सेपरेट और काफी स्पेशियस है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर घर में क्रिकेट खेलना चाहो तो क्रिकेट भी खेल सकते हो, बट हाँ बिना तोड़ा फोड़ी के, नहीं तो मम्मी बहुत मारेगी। और ये हमारी किचन आ जाती है, ये किचन आपको एज इट इज ऐसे ही मिलेगी जैसी आप देख रहे हो, प्रॉपर मॉड्यूलर किचन बनाई हुई है विद ब्रेकफास्ट टेबल, दिस वन इज ओवन एंड ओटीजी की स्पेस आ जाता है, एंड दिस एरिया इज आवर पेंट्री एरिया, जो कि पेंट्री एरिया आपको प्रॉपर मिल जाता है जो कि काफ़ी स्पेशियस है और प्रॉपर सॉफ्ट क्लोजर के साथ हैं। इधर हमारा सेपरेट सिंक सेक्शन आ जाता है, और ये आपको ऐसे ही स्पेस मिलता है, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, और ये आपका फ्रिज का स्पेस आ जाता है, और इधर आपको वेंटिलेशन के पर्पज से वो जो जिसपे कवर लगाया हुआ है ये आपका चिमनी का होल है जहाँ पे आप अपना चिमनी का पाइप निकालोगे। किचन में देखो, किचन में भी फॉल सीलिंग की हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। आप इस एरिया की फॉल सीलिंग चेक कीजिए, फॉल सीलिंग देखो आपको एज इट इज ऐसे ही मिलेगी। सो ये जो जैसा मैंने आपको दिखाया ना, ये अभी अनफिनिश फ्लैट है, मतलब इसमें फिनिशिंग होनी बाकी है, तो ये आप वॉल वगैरह से जज मत करना कि इसमें वॉल्स वगैरह पैचेस कैसे दिख रहे हैं,
ये इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि इसमें व्हाइट वॉश होना बाकी है और फिनिशिंग वर्क बाकी है। तो गाइस अब मैं आपको इसका एक फर्स्ट बेडरूम दिखा देता हूँ, जिस बेडरूम में मैं एंटर हो रहा हूँ ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा। बेडरूम का रूम साइज चेक कीजिए, काफी स्पेस है और एकदम खुला डुल्ला आपको रूम साइज मिल जाता है। ऊपर आप फॉल सीलिंग चेक कीजिए, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज ऐसी ही मिलेगी जैसी आप देख रहे हो। सामने आपको कबर्ड्स मिल जाती हैं, कबर्ड्स भी काफी स्पेशियस बनाई हुई है, ये आप देख सकते हो। प्रॉपर आपको स्टोरेज मिल जाता है। इधर हमारा वॉशरूम आ जाता है, सैनिटरी फिटिंग होके मिलेगा, वॉशरूम अभी सैनिटरी फिटिंग की नहीं हुई है। और इधर से आपको ये बालकनी मिल जाती है, ये बालकनी बगल वाले रूम से भी कनेक्टेड है तो मैं आपको बगल वाले रूम से दिखाऊंगा। तो आइए अब मैं आपको इसका सेकंड बेडरूम दिखा देता हूँ, जिस बेडरूम में मैं एंटर हो रहा हूँ ये हमारा सेकंड बेडरूम रहेगा। आप इसका रूम साइज चेक कीजिए, ऑलमोस्ट सेम है, काफ़ी स्पेशियस आपको रूम साइज मिल जाता है। और सामने आपको एसी की वायरिंग होकर मिलती है। और इधर आपको वॉशरूम मिल जाता है, आप इसका वॉशरूम चेक कीजिए, यूजुअली 200 गज के प्लॉट साइज का इतना बड़ा रूम होता है। और इधर आपको कबर्ड भी मिल जाती है वॉशरूम के अंदर ही, वॉशरूम में सारी सैनिटरी फिटिंग होके मिलेगी। एंड ये हमारी विंडो आ जाती है और इधर से आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है। ये हमारी कुछ बालकनी रहेगी, ये आप देख सकते हो, रनिंग बालकनी है जो कि काफ़ी स्पेशियस बनाई हुई है। उधर आपको टैप मिल जाता है, यहाँ पे आप अपना वॉशिंग एरिया यूज़ कर सकते हो, ऊपर गीजर लगा सकते हो और आप आसपास की बसावट देख सकते हो। सामने कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, पूरी बसावट है, आसपास सभी जगह लोग रहते हैं, जस्ट इसके पीछे प्लॉट आना बाकी है। तो आइए अब मैं आपको इसका थर्ड बेडरूम दिखा देता हूँ, जिस बेडरूम में मैं एंटर हो रहा हूँ ये हमारा थर्ड बेडरूम रहेगा। ये आप देख सकते हो इसका रूम साइज काफ़ी स्पेशियस बनाया हुआ है, बट इसमें अभी थोड़ा मटेरियल रखा है, तो अभी इसमें सामान जो आपको दिख रहा है ये बाकी। आप इसकी फॉल सीलिंग चेक कीजिए, फॉल सीलिंग देखो काफ़ी अच्छी और एकदम यूनिक बनाई हुई है। सामने आपको ये कबर्ड्स मिल जाती हैं, ये कबर्ड्स काफ़ी स्पेशियस हैं और विद अटैच वॉशरूम मिल जाता है आपको। वॉशरूम ऑल सैनिटरी फिटिंग होके मिलेगा, वॉशरूम में सैनिटरी फिटिंग की नहीं हुई है, ये काफ़ी स्पेशियस। आप इधर कैमरा घुमाइए, देखो कितना स्पेशियस आपको जगह मिल जाता है। लिविंग एरिया भी यूँ नहीं है कि ये स्ट्रेट है, यहाँ पे भी आपको पूरा सिटिंग एरिया, अपना 10 सीटर सोफा है तो भी आप इजीली यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद अब मैं आपको इसका फोर्थ बेडरूम दिखा देता हूँ, जिस बेडरूम में मैं एंटर हो रहा हूँ ये हमारा फोर्थ बेडरूम रहेगा। आप इसका रूम साइज चेक कीजिए, काफ़ी स्पेशियस आपको रूम साइज मिल जाता है, जो कि मतलब जितने भी रूम साइज हमने देखे हैं काफ़ी बड़े बड़े और एकदम स्पेशियस मिलते हैं। आप इसकी फॉल सीलिंग चेक कीजिए, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज ऐसे ही मिलेगी जैसे आप इतनी सी की हुई है। ये आपको इधर कबर्ड्स मिल जाते हैं काफ़ी स्पेशियस। और इधर आपका वॉशरूम आ जाता है जो कि कॉमन वॉशरूम है और कॉमन एरिया से भी कनेक्टेड है। आप देख सकते हो वॉशरूम वैनिटी के साथ मिलता है और ये सामने आपको गेट दिख रहा होगा, ये कॉमन वॉशरूम से मतलब कॉमन एरिया से भी कनेक्टेड है, मीन्स की ड्राइंग एरिया से। फ्रंट की बालकनी जो एक्सिस रहेगा, फ्रंट की बालकनी का इस रूम से रहेगा और ड्राइंग एरिया से रहेगा। ये आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी और एकदम स्पेशियस, आपको उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है। मतलब अगर आप यहाँ पे भी अगर चेयर डाल के बैठना चाहो, अपना झूला वगैरह चेयर लगाना चाहो, मतलब कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे, अपना चेयर वगैरह डाल के आराम से शाम की आप टी वगैरह इंजॉय कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा और आपको खुली बालकनी मिलती है, ये इस एरिया से भी कनेक्टेड है। ये हमारा ड्राइंग एरिया था जो मैंने आपको दिखाया और ये इसका गेट आ जाता है, ये हमारा मेन गेट है जो कि ड्राइंग एरिया को एक्सेस करता है। मैं खोल के ही दिखा देता हूँ, ये देखो पूरा एंड तक पूरा घर का व्यू आ गया होगा आपको। प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन है जो कि आपको इजीली मतलब दिन में भी लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज ये मैंने आपको ओवरऑल पूरा घर दिखा दिया है जो कि 4 BHK 4 टॉयलेट था, जो फोर्थ बेड वॉशरूम था, जो फोर्थ टॉयलेट था या वॉशरूम था वो कॉमन था। और आपने देखा डाइनिंग एरिया इसमें सेपरेट था, ड्राइंग एरिया इसमें सेपरेट था, प्रॉपर किचन आपको खुली डुली एकदम स्पेशियस आपको किचन मिल जाती है जो कि 400 गज में बना हुआ है, ग्रीनफील्ड कॉलोनी के सी ब्लॉक में ये पड़ता है। सी ब्लॉक जो पड़ता है नियर सूरज कुंड रोड के पास पड़ता है, जहाँ पे सूरज कुंड मेला लगता है। अगर किसी को लोकेशन नहीं पता तो सूरज कुंड मेला तो ऑलमोस्ट बंदों को पता होता है, सूरज कुंड मेला जहाँ लगता है वहाँ से अप्रॉक्स 5 से 7 मिनट की ड्राइव है, डेट्स इट, उससे ज़्यादा दूर नहीं है। 7 मिनट भी मैंने बहुत मैक्सिमम बोल दिए, 5 मिनट में आप इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हो। और दिल्ली जाना है या जीके जाना है तो आप 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे आप यहाँ पे जीके या GK2 पहुँच सकते हो, जो कि यहाँ से नियर बाय आपको दिल्ली पड़ता है। तो गाइज ये मैंने आपको ओवरऑल पूरा घर दिखा दिया है
और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको इसका रेट बता देता हूँ। इसका जो प्राइस आता है वो प्राइस आता है 1,50,00,000 रुपए आता है, देने वाला रेट आता है। और अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड होता है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अंटिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।